हेलो, मैं हूं अजीत। नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग पैरा इलिप्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने इलिप्स में इक्वेशंस के बारे में पढ़ा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसमें हम लोगों ने दो केसेस किया, ए ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर देन बी। इस केस में जो इलिप्स बना था वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना था, इस केस में जो इलिप्स बना था वो वर्टिकल इलिप्स बना था। अगर आप इलिप्स के इक्वेशन को एस से रिप्रेजेंट करते x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, बराबर जीरो कर दो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। अब इसमें अगर कोई पॉइंट मेरा है चेक करना हो, x1 कॉमा y1 कोई पॉइंट अगर दिया हुआ हो, वो इलिप्स के अंदर है कि बाहर है, ये अगर हमें चेक करना हो। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अजीत शर्मा के नाम से है। आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं ajeet@gmail.com, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, सेम आईडी से आप सर्च कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस का आनंद लीजिए, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट है, क्योंकि एलिप्स जो है वो क्लोज कर्व है, ठीक है, फिगर या तो ऐसे बनेगा या फिर वर्टिकल बनेगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट अंदर में है तब, बाहर में है तब, इलिप्स के ऊपर है तब, सेम वहां भी लिख सकते हो। आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को इसमें उठा कर रख दीजिए, x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1, और टेक दिस एक्सप्रेशन एज s1। p अगर अंदर में होगा, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, अगर ये s1 लेस देन 0 है तो फर्स्ट केस होगा, यानी p इज इनसाइड द इलिप्स। अगर बराबर 0 होगा तो सेकंड नंबर केस होगा, P is on the ellipse, ठीक है। और अगर greater than zero होगा तो थर्ड नंबर केस होगा, P is outside the ellipse। अब देखो, outside से दो tangent खींचेंगे, inside से एक भी नहीं, और on the ellipse से single tangent उसी पॉइंट। ये बहुत छोटी सी चीज थी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। अभी जो हमारा टारगेट है वो है आज का, अभी इस सेगमेंट का, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट डिराइव करना और ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में। हाँ, ऑक्सिलरी सर्किल आपके लिए एक नया वर्ड होगा, अभी से पहले आप लोगों ने पैरा बोला और उन सब जगह पर नहीं सीखा है। देखिए है क्या, कैसे करेंगे, आप एक सर्किल लीजिए जो इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके बनाया गया, तो हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एंड ऑक्सिलरी सर्कल। एक्चुअली पहले ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में जानेंगे और देन वी विल डिस्कस अबाउट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्किल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा, सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग मेजर एक्सिस एज डायमीटर, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके जो सर्किल खींचेंगे वही सर्किल ऑक्सिलरी सर्किल। फिगर बनाने के लिए पहले आप सर्किल बनाइए, इससे फिगर आपका आसान होगा, ठीक है। ये एक हमने डायमीटर बना, ऑब्वियसली फिलहाल ये एक्स एक्सिस है, क्लियर। फिगर बनाने का एक तरीका होता है जिससे अच्छा फिगर आपका बने, ये ऐसे मैंने बना लिया, क्लियर। ये आपका इलिप्स हो गया, दिस पॉइंट इज ए कॉमा जीरो, दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो, दिस ये आपका ऑक्सिलरी सर्किल है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है मतलब। अब करते क्या है, नेक्स्ट टारगेट है हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिराइव करना, ठीक है। आप क्या कीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए किसी भी हिस्से में इलिप्स के ऊपर, कहीं पर भी, लेट दिस वन इज पॉइंट पी, क्लियर। एक हमने पॉइंट पी ले लिया, अब इस पॉइंट पी से मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तरीका हर जगह सेम हुआ, चाहे इलिप्स वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे जैसा भी हो, तरीका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। पॉइंट पी से परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए, हर हिस्से में मेजर और माइनर मिल करके इलिप्स को चार टुकड़े में बांटेगा और वही आपको ऑक्सिलरी सर्किल को भी चार टुकड़े में। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
अब ये परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, अब इस परपेंडिकुलर को आगे पीछे बढ़ा दीजिए, तो बढ़ करके ये यहां भी कट करेगा और बढ़ करके ये नीचे भी कट कर सकता है, ठीक है। सर्किल को दो जगह कट करेगा, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर। आप समझ रहे हो कि अगर पी पॉइंट मैंने यहां लिया होता इस जगह पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब भी यही लाइन परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता, तब भी दो पॉइंट होता, ठीक है। आप उस पॉइंट को पकड़िए जो पॉइंट सेम हिस्से में है जिस हिस्से में पी है, फिर से सुनिएगा, उस पॉइंट को पकड़िए जिस हिस्से में पी है उसी हिस्से में क्यू भी होना चाहिए। अब इस क्यू को एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्यू क्या कहलाएगा, क्यू जो है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ पी। अब जैसे ही हमने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ पी, यानी कि वो पॉइंट ऑक्सिलरी सर्किल पे है, आप इस क्यू को सेंटर ऑफ एलिप्स से या सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल से मिला दीजिए, कुछ एंगल यहां सबटेंड होगा। आप समझ रहे हैं ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा क्यू के लिए क्या है, पैरामेट्रिक एंगल है ना। सर्किल के वक्त हम लोगों ने समझा था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सर्किल में आपने देखा था ना कि कहीं भी हो पॉइंट, सर्किल कहीं भी खींचे, सेंटर से एक लाइन खींचते थे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस पॉइंट को जॉइन करते थे और जो एंगल बनता था, जैसे सर्किल में मान लो यहां सर्किल है और आपको इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट खींचना है, तो यही थीटा होता था ना। अब जैसे ही थीटा मिल गया, अगर अल्फा कॉमा बीटा मालूम है, रेडियस आर है, तो इसका कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस आर कॉस थीटा और बीटा प्लस आर साइन थीटा होगा। सेम कॉन्सेप्ट अभी भी कैरी होगा, ये ध्यान रखना, बदल नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेडियस क्या है सर्किल का, ए, तो कहना इससे कि क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो मैं डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q और P दोनों एक ही सीध में है ना, ठीक है। जब Q और P दोनों एक ही सीध में है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, X कोऑर्डिनेट तो A cos थीटा पक्का है ना, X कोऑर्डिनेट तो A cos थीटा आपको गारंटी हो गया कि होगा ही होगा, क्लियर है। अब रहा सवाल Y कोऑर्डिनेट का, तो Y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या कीजिए, इसे उठा के इलिप्स के इक्वेशन में, इलिप्स का इक्वेशन क्या था, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। मैं रख के दिखाता हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस बी साइन थीटा या माइनस बी साइन थीटा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस बी साइन थीटा, अगर फोर्थ में होता तो थीटा भी तो मेरा फोर्थ में चला जाता, ठीक है। साइन थीटा जो है वो हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज करता जाएगा वाई, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, क्लियर है। थीटा जो है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है, लेकिन थीटा अगर पी के लिए बात करें तो थीटा पी का भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, क्या है, इसेंट्रिक एंगल। अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसेंट्रिक एंगल ऑफ पी बोलने का मतलब है कि पॉइंट पी को सेंटर से ज्वाइन कीजिए जो एंगल बन रहा, आप ध्यान से देख लीजिए ये जो एंगल है और ये एंगल में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों एंगल अलग अलग है, यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल, लेकिन दोनों एंगल अलग अलग है। अगर आप चाहो तो इसे फाई मान लो, तो फाई नॉट इक्वल टू थीटा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थीटा को इसेंट्रिक एंगल कहा जा रहा है, यानी पॉइंट के लिए जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है मेजर एक्सिस के साथ, उसे कहेंगे इसेंट्रिक एंगल, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, अगर कहीं इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, पी ऑफ थीटा का क्या मतलब है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, थीटा क्या होगा, इसेंट्रिक एंगल होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, क्लियर हो गया ये चीज। दो पॉइंट दिया हुआ है एलिप्स के ऊपर, एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट दिया हुआ है, फिगर में जरूरत नहीं है फिगर, फिगर में बना देता हूं, दो पॉइंट है, यहां पी है और ये क्यू है, पी का सेंट्रिक एंगल थीटा वन है या क्यू ही कह लो, क्यू का इसेंट्रिक एंगल थीटा टू है। हमारा इंटरेस्ट है इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखने का,
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, नहीं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू हमें लिखना है। एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस पी थीटा वन का क्या मतलब है, ए कॉस थीटा वन कॉमा बी साइन थीटा वन। क्यू थीटा टू का क्या मतलब है, ए कॉस थीटा टू कॉमा बी साइन थीटा टू। देखिए आईआईटी में इस बात पे भी सवाल पूछा गया है कि इन दोनों के एसेंट्रिक एंगल के बीच में पाई बाय टू का गैप है, ठीक है, तो मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, एरिया का कीजिए, और भी कई तरह का सवाल पूछा गया, मतलब इन दोनों के एसेंट्रिक एंगल के बीच में एक रिलेशन दे देगा, ठीक है। गैप अगर पाई बाय टू हो जाता तो दिस इज थीटा वन, देन दिस मस्ट बी क्या, थीटा वन प्लस पाई बाय टू। तो इसका कोऑर्डिनेट आप ए कॉस थीटा वन बोले यहां हो जाएगा ए कॉस थीटा वन प्लस पाई बाय टू विच इज माइनस ए साइन थीटा वन, और ये हो जाता है साइन थीटा वन प्लस पाई बाय टू यानी बी कॉस थीटा वन, क्लियर है। अब दोनों में एक रिलेशन आ गया ना, दिस इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, दिस इज माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो अब दोनों में एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन से आप यू कैन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट या एक फिक्स पॉइंट कहीं दे दे उसका सेंट्रोइड का सवाल बहुत सारे फ्रेम होगा, बुक उठा के देखिएगा। अगर इस लाइन का स्लोप निकालना हो इस कॉर्ड का, तो स्लोप क्या होगा इस कॉर्ड का, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस में कर दो यानी बी बाई ए, ठीक है, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू अपॉन कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। आप चाहो तो सॉल्व करो, नहीं माने तो मत कीजिए, आपकी इच्छा। अगर सॉल्व करने की इच्छुक है तो क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, ठीक है, और दिस वन विल बी टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू साइन, उल्टा हो जाता है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू ये दोनों हिस्सा कट जाएगा ना, प्रोवाइडिंग यू माइनस साइन ना, तो एम इज इक्वल टू बी बाई ए कॉस बाई साइन विच इज कॉट, और यहां इन दोनों के कैंसिलेशन से माइनस साइन है, तो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ऑल्दो नॉट नेसेसरी कि आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन लिखना, लिखते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, y माइनस बी साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए कॉट, स्लोप यूज कर रहे हैं हम, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा वन, सही है। अब आप क्या करो, इस b को नीचे लिखे, इसे cos और sin बदल दो, ठीक है, इसे cos और sin बदल दो, इसे आप लिख लो cos अपॉन sin, ठीक है, cot को मैंने लिख दिया, इस b को और इस sin को RHS में देख, LHS में देख चले जाओ, तो होगा क्या, सो देखिए y अपॉन b sin थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, सही है, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूं, क्लियर, और बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो आप चुपचाप से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स बाई ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, सही है। अब मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं फिगर, x और y वाले टर्म को एक तरफ कर लो, जरूरी क्या अपने रिजल्ट याद रखिए, cot थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 आता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता रहा हूं, क्या याद रखिए, ठीक है। अब जब एक तरफ करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, x बाई ए cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y बाई बी sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 is equals to, अब ये क्या होगा, cos a into cos b, ये उस तरफ जाएगा तो sin a into sin b, तो cos a into cos b plus sin a into sin b will be cos a minus b, finally solve करेंगे जब cos a minus b लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, आप अगर याद रख सकते हैं तो इसे याद रखिए। कई बच्चों को ये टफ लगता है कि सर याद कैसे रखेंगे, ठीक है मैं बता रहा हूं कैसे याद रखने का ट्रिक, अगर हल्का सा भी आपको चीजें ध्यान में होंगे तो, ऑल्दो मैंने अभी एलिप्स में नहीं बताया है,
किसी पॉइंट P A cos थीटा कॉमा B sin थीटा पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो क्या होगा, x by a स्क्वायर x x1 by a स्क्वायर, ना याद है यही होता है ना फॉर्मूला, y y1 by b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पॉइंट फॉर्म में रख दो, x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा, ये क्या हो जाएगा x cos थीटा by a plus y sin थीटा by b is equals to 1, ठीक है, क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर ट्रिक देखो, अगर मान लो थीटा वन और थीटा टू दोनों सेम हो जाए, थीटा वन अप्रोचिंग टू थीटा टू, तो ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड बन जाएगा टेंजेंट। अगर मान लो थीटा वन थीटा टू अप्रोच होकर के थीटा के बराबर हो जाए, दोनों सेम थीटा, तो थीटा वन और थीटा टू की जगह क्या रखूंगा मैं थीटा, तो एक्स बाई ए टू थीटा बाई टू, एक्स बाई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये यहां क्या होगा वाई बाई बी साइन थीटा is equals to, अब वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, थीटा वन माइनस थीटा टू जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है, तो क्या करूंगा जहां जहां थीटा है वहां वहां थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू पुट कर देना, और बराबर के उस तरफ जो वन है उसकी जगह कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू पुट करना, ठीक है, याद कर सकते हैं। बाकी कई लोग का ट्रिक अलग अलग होता है, अपने खुद से डेवलप हुई, मैंने तो ऐसे ही याद रखता हूं आज भी, ठीक है यहां तक। अब इसमें एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ये जो जनरल कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड फोकल हो जाए, अगर ये फोकल कॉर्ड हो जाए, कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड, तो क्या होगा, x की जगह ए कॉमा जीरो रख दें, यानी मान लेते हैं कि पहला ए कॉमा जीरो से ये पास कर रहा है, अगर ये ए कॉमा जीरो से, मैं एक करके दिखाता हूं, अगर ए कॉमा जीरो से पास करेगा बेटा जी, तो यहां ए रखेंगे, यहां जीरो रख देंगे, ठीक है, तो ए से एक कट जाएगा, ई cos theta 1 plus theta 2 by 2 is equals to cos theta 1 minus theta 2 by 2, भाई कायदे से तो यही पर आंसर आ गया आपका कि cos theta 1 minus theta 2 by 2 upon cos theta 1 plus theta 2 by 2, एक तो ये आप रिजल्ट याद रख सकते हैं, इसे याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आपको cot का इक्वेशन याद है रिजल्ट याद रहेगा। दूसरा रिजल्ट है, आप यहां पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा e minus 1 upon e plus 1 is equals to, पहले डिविडेंडो लगाया फिर कंपोनेंटो, भाई उससे भी फर्क नहीं पड़ता, जिस ऑर्डर में आपने इसको लिया उसी ऑर्डर में, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग इट इनटू टैन रिजल्ट, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी विल बी साइन, है ना, 2 sin a into sin b, यहां क्या हो जाएगा 2 cos a into cos b, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin theta 1 by 2 into sin theta 2 by 2, और this one will be 2 cos theta 1 by 2 into cos theta 2 by 2, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया tan theta 1 by 2 into tan theta 2 by 2 is equals to e minus 1 upon e plus 1, ये रिजल्ट आया जब a e comma 0 से पास किया। आप जब चेक करोगे, अगर ये माइनस ए कॉमा जीरो से पास करेगा तो जो रिजल्ट आता है वो आता है टेन थीटा वन बाई टू इंटू टेन थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू ई प्लस वन बाई माइनस वन, सिर्फ उस रिजल्ट को उल्टा कर दो, ठीक है, सिर्फ उस रिजल्ट को आप क्या करो उल्टा कर दो। आप अगर यहां से निकालते तो क्या होता, माइनस ए से जब पुट करते तो यहां माइनस साइन आता, माइनस साइन आने की वजह से ऊपर में, समझ में आया बात, चीजें उलट जाती ऊपर में। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो आईआईटी में पूछा गया था, देखिए क्या आईआईटी 2009 का एक क्वेश्चन है, मैं वो करता हूं, मिटाओ इसको, ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब बात निकली है थोड़ी सी और, एक प्रॉपर्टी पैराबोला के वक्त आपको बताया गया था कि फोकस से किसी भी टेंजेंट के ऊपर जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर था जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आया था वो फूट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द वर्टेक्स मिला था, ठीक है। यहां फोकस है, ये कोई पॉइंट है भी, फिगर थोड़ा सा मुश्किल काम है बनाना इस केस में। अभी क्या जानते हो, पी और एस को डायमीटर मान करके कोई सर्किल बना दो, ठीक है, ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है यहां,
ये जो सर्किल होगा ये सर्किल ऑक्सिलरी सर्किल को भी टच करेगा। यानी प्रॉपर्टी क्या है कि फिगर कायदे से मैं बना देता हूं, ये सिचुएशन है, ये पॉइंट पी है, ये एस है, ठीक है। यहां भी वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि अगर पी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते ना, पी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते और एस से परपेंडिकुलर डालते तो वो यहीं से गुजरता। आगे मैं बताऊंगा इस चीज को, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट आपने खींचा है इलिप्स का, अगर उसके ऊपर फोकस से परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो ऑक्सिलरी सर्किल पे लाइक करता है। एक्चुअली ये जो पीएस है इस पॉइंट पी का फोकल डिस्टेंस कहलाएगा, तो पीएस को डायमीटर मान के जब आप सर्किल ड्रॉ कीजिएगा ना, तो वो सर्किल ऑक्सिलरी सर्किल को टच करे, जिस पॉइंट पे टच करता है ना वो बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। खैर ये आगे मैं फिर से कर दूंगा रिपीट आपको, अभी जो मेरे जहन में जो सवाल है मैं उसको दिखाता हूं। आईआईटी 2009 का क्वेश्चन था, उसमें कहा गया था, मैं क्वेश्चन बना देता हूं, कहा है कि एक इलिप्स का जिक्र किया है और उसके ऑक्सिलरी सर्किल का जिक्र किया, आप देख लेना डिटेल क्वेश्चन, आईआईटी 2009। एक इलिप्स का जिक्र किया, इलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 9, यानी x² बाय 9 y² बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिगर मैंने फिर से कहा, फिगर बनाने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्किल बनाइए, बना दिया हमने, कहा क्या होगा 3 - 3, ये बना दिया। कहा कि इसके ए जो है वो मेजर एक्सिस का एक्सिया है और बी जो है वो माइनर एक्सिस का एक्सिया है। क्वेश्चन में कहा है ए और बी को पकड़ के ज्वाइन कीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे चल के ये ऑक्सिलरी सर्किल को एम पे कट करता है। आपसे कहा गया है इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए एम का ट्रायंगल, ओ ए एम का एरिया आपसे निकालने के लिए कहा गया, करेंगे क्या, ओ एम का एरिया क्या होगा, ओ ए एम का अगर हम एम का कोऑर्डिनेट मान ले x1, y1 तो हाफ इंटू ओ ए इंटू वाई वन होगा ना, यही तो हाइट होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 × y1 ये 1, 0, ठीक है। ऑप्शंस जो यहां दिए हुए थे वो मैं बता रहा हूं, ऑप्शन जो आपको दिया हुआ था वो 31/10 था, दूसरा ऑप्शन था 29/10, 21/10, यानी ऐसे ऑप्शन थे कि आप गेस नहीं कर सकते हो, समझे। ये ऑब्वियसली 1.5 से ज्यादा ही होगा ना, 3/2 इज 1.5 और y1 का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो 1.5 से ज्यादा हो, सारे ही ऑप्शन 1.5 से ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा डीप में सोचना चाहते हो 4.5 से छोटा होगा ये हाइट जो है 3, सारे ही ऑप्शन जो है ना 4.5 से छोटा है, तो कुछ उपाय आपके पास नहीं बचता है सॉल्विंग के अलावा, आपको सॉल्व करना ही होगा। कैसे सॉल्व करूं, आपको सबसे पहले इस इक्वेशन लिखना होगा, ए बी का इक्वेशन क्या होगा, x/3 + y/1 = 1, यानी x इज इक्वल टू, बताइए x + 3y = 1, यानी x = 1 - 3y, और सर्किल का इक्वेशन होगा x² + y² = 1। आपको क्या निकाला, y कोऑर्डिनेट से मतलब है ना, x का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो 1 + 9y² - 6y + y² = 9, क्लियर है। तो 9y² - 10y² - 6y - 8 = 0, ठीक है। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दिया लगता है, सॉरी, यहां 3 होगा और दिस इज 3 - 3y, तो 3 - 3y रखोगे तो आप क्या होगा, 9 + 9y² कर देता हूं, 9 × 1 + y² - 2y + y² = 9, ये 9 और ये 9 कट गया, आपके पास क्या आएगा, 9y² - 18y = 0, ठीक है। 2y कॉमन ले लो, बचा क्या,
5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y बराबर 0। अच्छा आपको लगा कि मैंने गलती कैसे पकड़ा, कि मैंने कुछ गलती क्या कर दी, देखिए ये लाइन सर्किल को दो जगह कट कर रहा है, एक सॉल्यूशन तो y बराबर 0 आना है ना, उस इक्वेशन में देखा था मैंने जो गलती किया था वहां y बराबर 0 नहीं आ रहा था कभी, तो एक y बराबर 0 आ गया, y बराबर 9/5 उठा कर आप यहां 9/5 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 27/10। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया, आप नहीं करोगे मुझे मालूम है। उस तरह से क्वेश्चंस और भी हैं, एक क्वेश्चन मुझे याद है आईआईटी 2008 का है, आप देखिएगा मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन है, हल्का सा मैं फिगर बना देता हूं, आप खुद से ट्राई करना उसको, आईआईटी 2008 का क्वेश्चन। एक इलिप्स का जिक्र किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है बना दिया इलिप्स। अब ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया माइनस 2, इसके दो फोकस हो गए, यहां एक लैटरल रेक्टम यहां एक लैटरल रेक्टम, कहा है कि P और Q दो पॉइंट है, ठीक x1 y1 x2 y2, P और Q के बारे में कहा गया है कि P और Q be the in points of lattice rectum of the ellipse। इतने बातों से ये क्लियर नहीं होता है कि whether P और Q दोनों एक ही lattice rectum का किनारा है अलग अलग का, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि y1 भी less than 0 है, y2 भी less than 0 है, तो दोनों अलग अलग ellipse का किनारा होगा, ठीक है। अब इस इन दोनों को lattice rectum मान करके पैराबोला ड्रॉ करना है, तो एक पैराबोला आपका ऐसे बनेगा और दूसरा पैराबोला विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये दूसरा वाला होगा और ये पहला वाला, आप ट्राई करना, 2008 का सवाल है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देखिएगा मिल जाएगा, क्वालिटी 2008 का सवाल है ये, थैंक यू।